आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। नीट पेपर लीक का जो मामला है देश भर में गरमाया हुआ है। 8 जुलाई सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें सभी की हैं क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट तक सभी मुद्दे पहुंच चुके हैं। कोर्ट में अलग अलग जो याचिकाएं हैं उनमें जांच की मांग, साथ ही साथ उनमें नए सिरे से एग्जाम को कराने की भी मांग की गई है। इन सबके बीच में बड़ा अपडेट आप जानिए। सुप्रीम कोर्ट में अब रिपोर्ट सौंपने वाली है ईओयू। पुराने जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए गए हैं और उन पुख्ता सबूतों के साथ कोर्ट में जाने की तैयारी है, ये सूत्रों के हवाले से खबर। 8 जुलाई से पहले ईओयू ये रिपोर्ट सौंप देगी ताकि आगे इस मामले पर कोर्ट अपना रुख साफ कर सके। पेपर लीक मामले को लेकर जब अलग अलग राज्यों के कनेक्शन सामने आए, अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारियां हो रही हैं, सीबीआई अब इस जांच को आगे बढ़ा रही है। ईओयू की टीम जो अलग अलग आरोपियों से घंटों पूछताछ के बाद सबूत खंगाल चुकी है, उसके पास पूछताछ के बाद का डेटा मौजूद है और इन सभी जानकारियों को इकट्ठा करके पुख्ता सबूतों के साथ में अब रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। 8 जुलाई सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई है और 8 जुलाई से पहले ही ईओयू इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में मामला ऑलरेडी, लेकिन देश भर में जो छात्र हैं उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा। सीबीआई ऑलरेडी जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन सीबीआई की जांच संभालने के बाद एक के बाद एक जो ऐसे खुलासे हैं वो आपकी आंखें खोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे पेपर को लेकर सेटिंग की गई, कहां कहां पेपर लीक के कनेक्शन हैं, कहां कहां प्रॉक्सी कैंडिडेट बिठाया गया, कैसे स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, बैंक के मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में सामने आया। झारखंड से तो पत्रकार की गिरफ्तारी भी हो गई। अब इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग राज्यों के कनेक्शन कैसे, गुजरात से झारखंड, झारखंड से बिहार, बिहार से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। इंडिकेशंस बहुत से मिल रहे हैं, अलग अलग राज्यों से कुछ गिरफ्तारियां सीबीआई के जरिए हुई भी हैं और अब आगे उन गिरफ्तारियों के बाद, पूछताछ के बाद कुछ और नामों तक भी पहुँचने की जो कोशिश है वो सीबीआई की है, क्योंकि पूरा सच सामने आना बाकी है, पूरा खुलासा होना बाकी है, जिसको लेकर सीबीआई लगातार कोशिश में लगी हुई है। इन सब के साथ ही एक और बड़ा अपडेट आप जानिए, पटना पेपर लीक मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। पेपर माफिया के गुर्गों का प्रिंसिपल से आमना सामना हुआ है, ऐसी खबर है। सीबीआई ने आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है। पेपर माफिया के जितने गुर्गे रहे उन सब तक सीबीआई की टीम पहुंची है और ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल जिनका इन्वॉल्वमेंट सामने आया उन तक भी सीबीआई की टीम पहुंची, उनसे आमना सामना भी कराया गया है। यानी कि कन्फ्रंट करा के बहुत कम गुंजाइश बच जाती है, क्योंकि अलग अलग पूछताछ में अलग अलग आरोपियों के जरिए अलग अलग जानकारी दी जाती है, लेकिन जब आमना सामना होता है तब ये गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ गुंजाइश बचती नहीं झूठ बोलने की या फिर बातों को घुमाने की। ऐसे में आमना सामना भी हुआ है, सीबीआई ने आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की है, कई सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं और उधर ईओयू अपनी रिपोर्ट बस अंतिम चरण है जिसमें तैयार करने में लगी हुई है। जावेद हुसैन दिल्ली से जुड़ गए हैं, रितेश मिश्रा पटना से मेरे साथ में है। गुजरात का अपडेट जयेश सोनी के जरिए दर्शकों तक हम पहुँचाएंगे। जिस तरीके से अभी तक की जानकारी है जावेद, सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ाया भी, गिरफ्तारियां होने लगी हैं। हैरानी की बात ये, बैंक के मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट, स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, अब तो पत्रकार की भी गिरफ्तारी हो गई, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स कैसे बिठाए गए, पेपर लीक कैसे हुआ, इतने सारी अनियमितताएं हैं। इसीलिए तो मांग हो रही है देश भर में कि दोबारा हो जाए एग्जाम। जी बिल्कुल, एक पूरा एक नेक्सस जुड़ा हुआ है, बिहार, झारखंड, गुजरात, अगर राजस्थान की अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र में लातूर की बात करें या फिर केरल या फिर तमिलनाडु, कोई भी स्टेट शायद ऐसा नहीं है जहां पर नीट यूजी एग्जाम में धोखाधड़ी या एक तरह से कहें कि स्कैम ना हुआ हो, या स्टूडेंट की जो उनका एक साल भर का मेहनत होता है, कई सालों की मेहनत होती है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया गया हो। यहाँ सिर्फ पैसों का खेल है, सिर्फ जितने पैसे जिसको मिला वो उस हिसाब से उनका रोल अदा किया गया। सीबीआई अपने इस पूरे मामले में जो है वो पूरी जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से हजारीबाग में, झारखंड के हजारीबाग में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एक लोकल पत्रकार, उसके अलावा बैंक और दूसरे लोगों की कनेक्टिविटी इस पूरे स्कैम में आया, वहीं फिर बिहार में सीबीआई की गिरफ्तारी, अगर हम गुजरात के गोधरा की बात करें तो वहां पे प्रॉक्सी कैंडिडेट को किस तरीके से फैसिलिटी मिला, सेंटर पे सेंटर चूज, उसके अलावा एग्जाम अगर आंसर शीट जो क्वेश्चन पेपर नीट यूजी
जो नीट का एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चंस आपको अगर आ रहा है तो आप उसका जवाब दीजिए, नहीं तो बाकी ब्लैंक छोड़ दीजिए। वो आपका उस कोड नंबर जो आपका पेपर का एक कोड होता है, उस कोड के हिसाब से वो एक लिस्ट उनके पास होती है कि किसके लिए हमें मदद करनी है, मतलब कौन उनके कैंडिडेट है, सिलेक्टिव कैंडिडेट जो जिनके लिए उनकी हेल्प करनी है। तो एक पूरा जो एक नेक्सेस है इसको लेकर जो सीबीआई है अब वो अपने एक्शन को उन्होंने तेज कर दिया, और सीबीआई की कई टीमें बनी हुई है जो इस वक्त राजस्थान, गुजरात, इसके अलावा बिहार, झारखंड और यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो लातूर में भी, महाराष्ट्र के लातूर में भी सीबीआई पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को जल्द सॉल्व करने में लगी ये हुई है। सब कुछ लेकिन जो चल इसमें रहा कई था ऐसे ये मेन बिना स्वार्थ के कैंडिडेट था नहीं, लाखों रुपए की रिश्वत भी चली है, अलग अलग तरीके से इसमें धांधली भी हुई है और अलग अलग स्तर पर अलग अलग राज्यों से आरोपी पकड़े भी गए हैं, इन्वॉल्वमेंट उनका नजर आ रहा है। रितेश, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों का इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने आया है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, लेकिन बिहार, झारखंड ऐसा लग रहा है एपी सेंटर बन गया इस पूरी धांधली का। अब बिल्कुल सही कहा आपने कि ईपी सेंटर बिहार और झारखंड बने हुए हैं, क्योंकि जितने भी सरगना अभी तक मास्टरमाइंड किसी भी वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हों वो सारे का कनेक्शन बिहार से निकलता है। और देखिए कि इस मामले में भी किस तरीके से बिहार का कनेक्शन, बिहार में ही सारी चीजें हुई, बिहार से ही ये पूरा जो केस है, ये पूरा जो मामला है वो क्रैक हुआ। तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन काफी तेजी से जारी है। हमने इंडिया न्यूज ने पहले भी बताया था कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो काफी साइंटिफिक साइकोलॉजिकल है और तमाम क्लू को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। साफ तौर पे कहना है कि जो हैरानी की बात होती है कि कोई भी परीक्षा हो बिहार में, झारखंड में या जो अन्य प्रदेश है वहां पर इनकी इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जो जानकारी मिल रही है कि बैंक पीओ में भी इनकी सेटिंग है, इसके अलावा शिक्षक पात्रता में भी इनकी सेटिंग है, इसके अलावा रेलवे, ये तमाम जो परीक्षाएं हैं कोई भी परीक्षा अछूती नहीं है। मीन्स सीबीआई के जो अधिकारी जांच कर रहे हैं वो हैरान है कि भाई इनकी इतनी ज्यादा पैठ कैसे हो सकती है। तो जावेद ने भी बताया कि पत्रकार की गिरफ्तारी पैसे हुई है वो किस तरीके से प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की मदद कर रहा था, उसका इन्वॉल्वमेंट कैसे है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो नेक्सस इनका होता है उसमें सारे लोगों को ये लोग रखते हैं, पैसे वाले फाइनेंसर अलग होते हैं, उसके बाद इनके जो बाउंसर होते हैं किसी को धमकाने के लिए, किसी को डराने के लिए, वो अलग होते हैं। इसके अलावा बैंक के लोगों को भी मिला के रखते हैं, क्योंकि बाकायदा पता रहता है कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग किस बैंक में ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आएंगे, कहाँ रखना है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, कुरियर कंपनी, यानी पूरा का पूरा एक नेक्सस बना हुआ होता है और सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, और मदद इसलिए करते हैं क्योंकि पैसे का खेल होता है। जाहिर सी बात है कि लोकल पत्रकार है, लोकल पत्रकार की एक अपनी पैठ होती है, एक अपनी धमक होती है, और वो प्रशासनिक स्तर पर, क्योंकि प्रशासन में इन लोगों की मिली भगत होती है, प्रशासन से बहुत सारी बातें जो है वो लीक होती हैं। इसीलिए इस पत्रकार को इन लोगों ने रखा था कि प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस का एक्शन क्या होने वाला है, ये पत्रकारिता की आड़ में ये सारी चीजें जो हैं ये एहसानुल हक करती और है ये बातें, जो पत्रकारिता के नाम पर ये सब कुछ हो रहा था, स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, बैंक के लोगों का इन्वॉल्वमेंट, ये अलग अलग एंगल्स हैं जहां तक सीबीआई की टीम पहुंच गई है। और जयेश सोनी, अगर सीबीआई की टीम इन लोगों तक पहुंची है तो जाहिर सी बात है अब वो दिन दूर नहीं जब पूरा सच सामने आ जाएगा, क्योंकि आरोपी पकड़े जा रहे हैं, उनकी पूछताछ में जो नाम, जो संकेत मिल रहे हैं उसके आधार पर ही तो हो रहे हैं आगे के एक्शन। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से आरोपियों के रिमांड कल सीबीआई ने प्राप्त किए हैं, 4 दिन के रिमांड पर है चारों आरोपी, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनके किन किन लोगों के साथ कनेक्शन है, कौन कौन उनके साथ इन्वॉल्व था इस पूरे स्कैम के अंदर, साथ ही उनके बिहार और झारखंड से जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके साथ उनके किस तरह से लिंक जुड़ते हैं, ये सारी जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। साथ ही और कौन कौन से सेंटर पर किस तरह का सेंटर सेट किया गया था और वहां पर जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने आने वाले थे उनकी मदद पहुंचाई जाने वाली थी। साथ ही कहा जाता था कि 10 लाख रुपए पर स्टूडेंट चार्ज किया गया था और उसको मदद पहुंचाने का वादा किया गया था। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स थे जिनको मदद पहुंचाई जाने वाली थी, जो अन्य प्रदेश से आने वाले स्टूडेंट्स थे उनके एड्रेस जो है वो स्थानिक बड़ौदा और गोधरा के आसपास के इलाकों के स्थानिक एड्रेस दर्ज कराए गए थे रजिस्ट्री के अंदर।
तो ये सारी स्कैम के अंदर किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को फर्जी तरीके से बनाया गया है, कौन कौन उसको उसपे साथ दे रहा है, ये सारी बातें की इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई कर रही है। आने वाले टाइम में और बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आ सकती है और सीबीआई की जांच के अंदर जो भी इन्वॉल्व पाया जाएगा उसकी गिरफ्तारी भी शायद मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हो जाए। और इसीलिए हम कह रहे हैं जो गिरफ्तारियों का आंकड़ा है वो भी बढ़ेगा। जो अभी तक लाखों रुपए की धांधली की खबर सामने आ रही है जो कि रिश्वत के तौर पर लिए दिए गए, उसका भी दायरा बढ़ेगा। और ये जो अलग अलग राज्यों की बातें इसमें सामने आ रही हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और राज्यों से कनेक्शन सामने आ जाए नीट पेपर लीक धांधली को लेकर। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन, जयेश सोनी, रितेश मिश्रा, आप सभी का इस पूरी खबर को लेकर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है, जिन्हें कोर्ट से लगा है फिर से झटका। अरविंद केजरीवाल जो अभी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे, उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ गई है।